हेलो, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। इंडिया का नंबर वन चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी, हम क्रिसमस के पास पहुंचने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है कल। आई होप मैं तुम लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ कर सकूँ, कुछ तो इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ मैं क्रिसमस पे। ओके, सो हमारा चैनल नीट के बच्चों के लिए स्पेशली है। जो भी बच्चे नीट को परस्यू कर रहे हैं उनको लिए हम लाइव क्लासेस लेकर आते हैं, जिसमें थ्योरी तो बहुत सारी रहेगी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आज का जो सच का सामना है, ओके, नाउ आई एम लुकिंग रिडिकुलस, सो लेट्स जस्ट रिमूव इट। अब सही है नाउ। सो आज का 50 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, होल्ड सिलेबस टेस्ट है। देखते हैं तुम लोग कितना स्कोर करते हो। 50 में से जो एंड में तुम्हारा स्कोर बनेगा, यू विल टेल मी एंड देन आई विल टेल यू कि तुम्हारा कितना स्कोर बनना चाहिए था। चलिए, अनअकैडमी प्लस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। इट्स एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस वक्त इंडिया के 50 बेहतरीन टीचर्स आपको नीट की कोचिंग दे रहे हैं। अनअकैडमी का ही एक और प्लेटफॉर्म है, वो दैट इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म। वहाँ पर मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ, प्लस वन प्लस टू जुआलॉजी बॉटनी। अभी मेरा क्रैश कोर्स वहाँ पे चल रहा है, जिसमें मैं अराउंड 3 चैप्टर्स करा चुकी हूँ और अगला चैप्टर मैं एनिमल टिश्यू कराने वाली हूँ। तो अगर तुम बायोलॉजी को इस वक्त रिवाइज करना चाहते हो, देखो ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि यार 2-3 बार अगर एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए तो मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ एग्ज़ाम में। सो क्रैश कोर्स अगर तुम मेरा अटेंड कर लेते हो तो उसमें क्या है, एक बार मैं तुम्हें पढ़ के आने के लिए कहूँगी चैप्टर, तो एक बार तुम्हारी तब रीडिंग हो जाएगी। देन एक बार मैं तुम्हें क्लास में समझाऊंगी, तब तुम्हारा एक बार चैप्टर रिवाइज होगा। फिर मैं तुम्हें क्लास में ही बायोलॉजी जो चैप्टर है एनसीईआरटी पढ़ने का मौका दूंगी, तो एक बार तुम्हारा तब रिवाइज हो जाएगा। मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से तुम्हें एक एक चैप्टर 3-3 बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और मेरा तो जो बायोलॉजी में कोर्सेज चल रहे हैं वो चल रहे हैं, बाकी टीचर्स भी अपने क्रैश कोर्सेज चला रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, और बहुत सारे बच्चे उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। एक और कोर्स जो मैं अनअकैडमी प्लस पे शुरू करने वाली हूँ, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा प्रेजेंट लेके आने वाली हूँ। सो प्रेजेंट ये है कि मैं और आनंद मनी सर दोनों मिलके अपना एक बैच शुरू करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसमें से कुछ टॉपिक्स आनंद मनी सर पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगी। सो जो दो टीचर्स जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं प्लेसिबो चैनल पे, जो ज़्यादातर टीचर्स जो बच्चे जो जिन टीचर्स को फॉलो करते हैं, वो अब आपके लिए इकट्ठा एक कोर्स लेकर आ रहे हैं। कोर्स का नाम है बोर्ड कम नीट। क्रैश कोर्स जैसा ही है, इट विल बी अ वेरी फास्ट मूविंग कोर्स, समथिंग लाइक अ क्रैश कोर्स। सो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कैसे करना है, तुम लोगों को वैसे तो आइडिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। ओपन करके सबसे नीचे प्लस का ऑप्शन आता है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट बहुत सारे ऑप्शंस प्लस में आते हैं, आप जाएंगे नीट एंड एम्स पे, नीट एंड एम्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास बात होगी कि कितने समय का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, जो भी अभी आपको सही लगता है। जैसे कि अभी जो नीट, अगला नीट जो देने वाले हैं उन बच्चों के लिए 6 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन सबसे सही है। यदि तुम प्लस वन के बच्चे हो, अभी पूरा 1 साल है, तो 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन। यदि तुम प्लस अभी 10th के बच्चे हो और अभी प्लस वन में जाने वाले हो, तो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। सो जो भी तुम सब्सक्रिप्शन लो, जिस पे भी तुम क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे प्राइस आएगा, दिस इज द प्राइस फॉर 6 मंथ्स, से 24,000 रुपीज है 6 मंथ्स का प्राइस। इसको थोड़ा सा और तुम कर सकते हो कम एक कोड डाल के। जैसे यहाँ पे 24,000 आएगा ना, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा, एंटर रेफरल कोड करके और अप्लाई बटन। सो जैसे ही तुम इसमें ये कोड डालोगे ऋतु लाइफ, जैसे ही तुम ये कोड डालोगे, तुम्हें 10% ऑफ हो जाएगा और अब वो 24,000 वाला तुम्हें 21,600 का पड़ेगा। तो मतलब 6 मंथ्स का कोर्स ये कोड डालने के बाद, कोड याद रखना है ऋतु लाइफ, जैसे ही ये कोड डालते हो तुमको 10% ऑफ हो जाएगा। 6 मंथ्स का कोर्स अब 21,600 का पड़ेगा, 1 ईयर का कोर्स तुमको 27,000 का पड़ेगा और 2 ईयर्स का कोर्स अब तुमको 43,200 का पड़ेगा। चलिए बिना किसी देर के सच का सामना शुरू करते हैं। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1,
प्लीज। विच ऑफ द ओके मैं आगे तो नहीं आ रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट बनाता है। सो हमारा आंसर लिम्फोसाइट आ गया। इजी क्वेश्चन, फर्स्ट का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर टू। मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी, मैरी क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर टू, द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड। इजी क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर थ्री, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है मेनली? जल्दी फास्ट आंसर चाहिए मुझे, धीरे नहीं चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर टू प्लीज। बी बी गलत क्यों मिल रहे हैं भैया? थर्ड का डी है आंसर। हां जी हां जी, अब सही आने लगे हैं। शुभजीत गलत हो गया, थर्ड का डी है आंसर। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है? या तो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जब एरोबिक जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है, फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। दोनों में बैक्टीरिया होते हैं सेकेंडरी सीवेज में। सो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है भैया, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी फोर। आज तुम्हारे लिए इकोलॉजी से क्वेश्चन लेके आई हूं मैं बहुत सारे, ठीक है? थैंक यू पृथ्वीराज। फोर्थ का आंसर आना शुरू हो गया है। प्रशांत गलत हो गया बेटा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। एनसीईआरटी की लाइन है। ऑटोमोबाइल से कैटलिटिक कन्वर्टर होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नहीं, किचन वेस्ट नहीं, थर्मल पावर प्लांट आंसर है ए। आज मैं इकोलॉजी से तुम्हारे पास कम से कम 10-15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि तुम लोग इकोलॉजी पढ़ते तो हो नहीं और इकोलॉजी तुम लोग बर्बाद करके आओगे। तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नॉइज पोल्यूशन बोलिए। नॉइज पोल्यूशन में कॉज नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी बाय स्टिम्युलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ। किसका सिक्रीशन करता है नॉइस? जल्दी। क्वेश्चन नंबर फाइव बिल्कुल सही है, महमूद हसन का, महबूब हसन का, एहतशान का, मोइनुद्दीन का, महक का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही है। देखो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट करता है नॉइस। बहुत ज्यादा नॉइस हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट कर देता है, तो एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो उससे क्या होता है, हम लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है, स्ट्रेस में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सबरना, इसका मैं हमेशा कहती हूँ कि पीडीएफ लेके आऊंगी, दूंगी तुम लोगों को, फिर भूल जाती हूँ। चलो इसका पीडीएफ तुम लोगों को शेयर करूंगी। तानिया गुड बेटा, टेक 15 सेकंड्स फॉर इट। सब इकोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या ढूंढना है? नॉट करेक्ट ढूंढना है। पहले तो नॉट करेक्ट को मार्क कर लो। जब भी करेक्ट नॉट करेक्ट का क्वेश्चन आएगा मार्क करो, ताकि तुम कुछ गलत ना कर दो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड हैज रिजल्टेड इन डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। ये गलत है। ये रिकवरी ऑफ लैंडफिल, ये सही है। इट इन्वॉल्व्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, बर्निंग ऑफ प्लांट रिमेन्स एंड देन यूजिंग द लैंड फॉर फार्मिंग। तो आंसर हमारा बी बन गया। कोई क्रॉप प्रोडक्टिविटी यील्ड को नहीं बढ़ाता है। झूम एग्रीकल्चर इज नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था? थैंक यू मुरली। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था बेटा जी? सेवेंथ क्वेश्चन। अंशुराज गलत हो गया बेटा।
बाकी ऑलमोस्ट सबका सही है, जतिन का गलत हो रहा है, महबूब का सही है, एहतशान का सही है, आदित्य सिंह शायद तुम्हारा गलत हो गया बेटा। सीएफसी आंसर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को खाने वाली जो चीजें होती है ना उनको कम करने के लिए था, तो ये तो ओजोन लेयर के लिए कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यूवी रेडिएशन से ओजोन लेयर थोड़ी भी खराब होती है, ये तो सीएफसी वगैरह से खराब होती है ना। हाँ, ओजोन रिलेटेड आंसर इज सी, ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं भी पढ़ा, अगर आप लोगों ने इकोलॉजी अभी नहीं भी पढ़ी तो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपको नहीं आती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड द टेस्ट इवन नाउ। थैंक यू किरण प्रीत। ओ क्या मैं सामने आ गई थी। 8th का बिल्कुल सही है इस बच्चे का, किसने आंसर दिया ये, कुंदन का, सिंपल वर्मा का, रेशमा का, तेज बहादुर का, आदित्य शर्मा का, आदित्य कुमार, जतिन शर्मा, बिल्कुल सही है, ए आंसर है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज मे कंटेन टॉक्सिक हैवी मेटल्स। बेसिकली एनसीईआरटी में एक लाइन है कि हैवी मेटल्स किसको कहते हैं, ठीक है, हैविंग अ डेंसिटी ऑफ मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनको हैवी मेटल कहा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, गुड गुड दिशा जैन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अंशुराज अभी यूट्यूब पे तो नहीं हो पाएगी अभी इकोलॉजी बेटा, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है ना यूट्यूब पे ऑलरेडी, प्लस पे इकोलॉजी शुरू करने वाली हूं मैं, शुरू करूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन के लिए क्या सही है। इट बिगेन्स ऑन अ बेयर रॉक, प्राइमरी सक्सेशन होता है बेयर रॉक पे। इट अकर्स इन अ डिफॉरेस्टेड साइट, ये ट्रू है। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, नो। इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज रिलेटिवली फास्ट पेस, नो। इट इज नॉट सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एक बेयर रॉक पे सबसे पहले लाइकन उगता है, लेकिन एक डिफॉरेस्टेड एरिया पे जहां पे अभी फॉरेस्ट था लेकिन आपने खत्म कर दिया, पहले लाइकन नहीं उगेगा, उसमें नॉर्मल प्लांट्स ही उगेंगे। सो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। आंसर क्या बन गया हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारो बेटा जी, हिम्मत नहीं हारो, कोई बात नहीं। 50 में से 10 क्वेश्चन भी इकोलॉजी के गलत हो गए तो क्या हुआ, 40 है बाकी ठीक करने के लिए, कुछ नहीं होता, हिम्मत नहीं हारनी है। सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल कौन सा होता है, सेडिमेंट्री टाइप मतलब जिसका जो रिजर्व है वो सॉयल उसमें है, रॉक्स में है। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तुलासा गलत हो गया बेटा, अमरेश का सही है, कुंदन का सही है, अल्फाज का सही है, बी। दो प्रकार के आप न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ते हो, एक गैशियस और एक सेडिमेंट्री। गैशियस में आप पढ़ते हो जैसे नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ते हो या CO2 का साइकिल आप पढ़ते हो, और सेडिमेंट्री में आप पढ़ते हो फॉस्फोरस और सल्फर का। बहुत ईजी चैप्टर है ये, बहुत ईजी, इसको छोड़ो नहीं। अच्छा, जिसने आज इकोसिस्टम नहीं पढ़ा है अभी तक, एक बात प्रॉमिस करो, आज टेस्ट देने के बाद इकोसिस्टम पढ़ोगे। इकोसिस्टम टोटल में 2 घंटे का चैप्टर है, अगर तुमने कभी नहीं पढ़ा ना तो भी 2 घंटे में पढ़ लोगे उसको, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आज जाके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू आदित्य कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 11वां का आंसर चाहिए जल्दी से। इलेवेंथ का आंसर चाहिए बेटा। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी गिवन टाइम, वेरी इजी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, मास ऑफ लिविंग मैटर, जितना लिविंग मैटर एक एरिया में होता है ना उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है, जितना मिनरल कॉन्टेंट सॉयल में होता है उसको स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग स्टेट मिनरल्स के लिए होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस इनके लिए होता है, लिविंग मैटर के लिए स्टैंडिंग क्रॉप होता है, ये बात याद रखना, ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है।
गुड 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 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. कौन सा इनमें से इकोसिस्टम का फंक्शन नहीं है, बोलिए. बारहवें का आंसर चाहिए, ट्वेल्थ का आंसर चाहिए. करीना मोस्टली एनसीईआरटी में से आते हैं, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है इकोसिस्टम में, मोस्टली एनसीईआरटी से आता है. ट्वेल्थ का डी जो बच्चा कह रहा है, सुबर्णा दास, अंकित सिंह, सृष्टि, बिल्कुल सही कह रहे हो. ट्वेल्थ का डी, महबूब, प्रशांत, मॉर्टल, बिल्कुल सही. ट्वेल्थ का बी डी जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इकोसिस्टम में ही है. इकोसिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? एनर्जी फ्लो भी होता है, डिकम्पोजिशन भी होता है, प्रोडक्टिविटी भी होता है, स्ट्रेटिफिकेशन कोई फंक्शन नहीं होता बेटा, ठीक है. चार लिखे हुए हैं वहां पे ना ऐसे करके कि ये चार फंक्शंस हैं, ठीक है. एक स्ट्रेटिफिकेशन उसमें नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. फिर से इकोलॉजी, बोथ हाइड्रार्क एंड जीरार्क सक्सेशन लीड्स टू. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर चाहिए जल्दी से. थर्टींथ का आंसर चाहिए. ए आदित्य कुमार बिल्कुल सही. अपूर्वा का क्या आंसर है? श्रद्धा का बिल्कुल सही, नहीं अपूर्वा का गलत है. रघुराम का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही. चाहे बहुत पानी वाली कंडीशन से शुरू हो सक्सेशन या बिल्कुल ड्राई कंडीशन से शुरू हो सक्सेशन, दोनों के दोनों मीडियम वाटर कंडीशंस में आके रुकते हैं, मेसिक कंडीशंस बनती हैं फाइनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जेनेटिक्स, फोर्टींथ दिशा जैन, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मिस हो गया होगा तुम्हारा आंसर, चिंता मत करो. फोर्टींथ करके देख लो, फोर्टींथ क्या आ रहा है आंसर, आओ चेक करते हैं. क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, इसके कौन से गैमेट्स बनेंगे? इसका गैमेट बनेगा ए बी और इसका गैमेट बनेगा ए बी, दो गैमेट्स बनेंगे है ना. इसका गैमेट बनेगा ए बी, तो एक बार इसके साथ बनेगा, एक बार इसके साथ बनेगा, तो एक बार बनेगा ए ए बी बी और एक बार बनेगा ए ए बी बी. वन इज टू वन, ए ए बी बी, ए ए बी बी, आंसर वन है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये जेनेटिक्स का, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा जेनेटिक्स का. थ्री इज टू वन कैसे बने? क्रॉस बताना है ना बेटा, क्रॉस क्या बना है? ये दो बनेंगे क्रॉस में, वन इज टू वन की रेशियो में. इजी क्वेश्चन, 10 सेकंड लो इसके लिए सिर्फ. वेरी इजी क्वेश्चन, ये सब करेंगे आंसर, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसका आंसर नहीं करेगा, सब करेंगे आंसर. चलो सब करेंगे आंसर, ऐसे लिखो 15th और आगे आंसर लिख के दो, 15th लिखो फिर आगे आंसर लिख के दो. रघुराम कह रहा है बी, 15th का आंसर लिख के दो. साक्षी कह रही सी. रघुराम गलत हो गया बेटा, नहीं आता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. देखो, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर लाइट, इसका मतलब क्या है? सुनो क्वेश्चन सुनो, जितना सन से रोशनी आ रही है ठीक है, उसमें से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव कितनी है, मतलब प्लांट्स कितना यूज कर सकते हैं. तो प्लांट्स इसका सिर्फ बीच वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, अराउंड 50% होता है वो, इसको बोलते हैं पार, ठीक है. इसी में पूरा वी आई बी जी वाई ओ आर आ जाता है, ठीक है. अब वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट है, वो नहीं यूज कर सकते प्लांट. रेड के बाद इंफ्रा रेड है, वो नहीं यूज कर सकते प्लांट, सिर्फ पार यूज करते हैं जो कि अराउंड 50% के आसपास होता है. तो ये हमारा आंसर बनेगा, लेस देन 50%, जस्ट क्लोज टू 50% होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. योगेश कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो. अभी नहीं आ रही इसका मतलब आएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आएगा भी नहीं, इट विल कम. दीज आर इजी चैप्टर्स, सिर्फ तुम्हारे पढ़ने की देर है. वेरी गुड रेशमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 16th, यस.
हाँ जी अंश का बिल्कुल सही है, कार गेमर्स का सही है, रूपल सैनी का सही है, अक्षता अल्फाज महक सही है, योगेश गलत हो गया है, यथार्थ सही है, अमरेश गलत है। डैश इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखो जब प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर। फिर हर्बीवोर एक छोटी सी गोट एक बड़ी गोट में कन्वर्ट होती है ना, ऑर्गेनिक मैटर उसका भी बढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जब कंज्यूमर्स की बात आ रही हो, जब प्रोड्यूसर्स की बात आती तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आंसर होता। थोड़ा सा गलत हो गया तुम लोगों का, कोई बात नहीं। चलो तुम लोगों की जान छुटी, इकोलॉजी खत्म हुई, अब आ जाओ, कोई बात नहीं। इकोलॉजी में डर लगता है? कोई बात नहीं, हो जाएगा। आओ ये अटेम्प्ट करके बताओ मुझे, ये अटेम्प्ट करके बताओ। 11th क्वेश्चन आ रहे हैं, रुक जाओ गुरविंदर, अभी आधे क्वेश्चंस 11th से आएंगे, डरो मत। चलो समीक्षा 11th का बी कह रही है, बिल्कुल सही है समीक्षा तुम्हारा आंसर। सुदर्शन युवराज बिल्कुल सही है, महबूब बिल्कुल सही है, मुनीश बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चों का सही है। साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंट टू। RNA साइलेंसिंग हमने कहाँ सीखी थी? RNA इंटरफेरेंस में सीखी थी। RNA इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा था? एक टोबैको का प्लांट होता है, टोबैको प्लांट के रूट में एक नेमेटोड अटैक करता है, नेमेटोड का नाम होता है मिलाइडोगाइन इनकोग्निटा, है ना, मिलाइडोगाइन इनकोग्निशिया उसके ऊपर अटैक करता है और रूट नॉट नाम की डिजीज कर देता है, तो हम उसका RNA साइलेंसिंग कर देते हैं ताकि वो डिजीज ना कर पाए। सो आंसर इज नेमेटोड। बायोटेक्नोलॉजी अब तो आ गई इकोलॉजी से बाहर। चलो 18th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टेक 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। 18th का आंसर सब लिखते जाएंगे, 18th के आंसर की वेट कर रही हूं मैं। 18th का सी अंश कह रहा है, बोलो सही कह रहा है ये सलोनी सी, तेज बहादुर सी, समीक्षा सी, सुदर्शन सी, बिल्कुल सही है, सी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जेनेटिक्स के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। वो कह रहे हैं कि भैया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने इतना डेटा प्रोड्यूस किया तो साइंस की एक अलग से फील्ड बनाना पड़ा जो कि उस डेटा को संभालता है, द साइंस ऑफ हैंडलिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा एंड यू नो एनालाइजिंग डेटा। इस फील्ड को क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। आंसर इज सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूं, ये शायद मैं पहले भी क्वेश्चन डाल चुकी हूं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे ख्याल से। रेशमा को इजी लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। अंकित सिंह, अरे अरे अंकित सिंह मिस हो जाता होगा तुम्हारा नाम बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तान्या, रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट मे बी यूज टू रेगुलेट अवर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड, क्या है आपकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए? बोलिए। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। बायो पायरेसी नहीं है, बायो पेटेंट नहीं है, बायो वॉर नहीं है, बायो एथिक्स है। क्या है? रूल ऑफ कंडक्ट। रूल ऑफ कंडक्ट तो वैसे भी एथिक को ही बोलते हैं ना बेटा। हम कहते हैं ना आओ उस बंदे का मर्डर करने का मन कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं हम मर्डर नहीं करना चाहते। एक तो जो लॉ है वो तो है ही है, कुछ हमारे भी एथिक्स होते हैं ना कि यार मर्डर नहीं करना होता, गंदी बात होती है। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में उन रूल्स को क्या कहते हैं? बायो एथिक्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन फॉर 20। विकास सिन्हा, हाँ जी, बायो वॉर होता है जब आप बायोलॉजिकल, आप किसी कंट्री के ऊपर माइक्रोब्स छोड़ाओ, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को खतरनाक माइक्रोब पैकेट में डाल के भेज दो, ये होता है बायो वॉर, अटैक करना बायोलॉजिकल मींस से एक दूसरे के ऊपर। ओके इजी क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने देखा नहीं किसका पहले आंसर था, पर 20th का हर कोई बच्चा डी कह रहा है, ये बिल्कुल सही है। ह्यूमलिन क्या होता है? ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमलिन कहते हैं, ठीक है। हम तब पढ़ा था जब इंसुलिन हम बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे ना, ईकोलाई के अंदर, तब ये टर्म पढ़ी हमने ह्यूमलिन। ओके इजी क्वेश्चन नेक्स्ट 21, टेक 15 सेकेंड्स फॉर इट, टेक सम टाइम फॉर इट।
बट गिव मी द करेक्ट आंसर. 21. 21 का सबसे पहले कौन देगा आंसर? महबूब. बिल्कुल सही है महबूब तुम्हारा. कंचन ने नहीं, गिरीश गलत है बेटा. गिरीश कार गेमर्स का बिल्कुल सही है. साहलिल सुंदर सुंदरम का सही है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सबसे पहले महबूब ने दिया था शायद आंसर. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डज नॉट टेक प्लेस. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है कि जिस जीन का मन करेगा वो उस गैमेट में जाएगा. ठीक है, जीन्स इंडिविजुअली इधर उधर जाते हैं. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की दुश्मन होती है लिंकेज. और लिंकेज कैसे होती है? जब एक ही क्रोमोसोम पे एक जीन यहाँ पड़ा है और एक जीन यहाँ पड़ा है तो ये दोनों इकट्ठे ही जाते हैं जहाँ जाने हैं. ये इतने पास होते हैं कि इनमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो पाता. सो आंसर इज जीन्स आर लिंक्ड एंड क्लोजली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम. अगर आप सेम क्रोमोसोम पे नहीं हो तो आपकी लिंकेज नहीं हो सकती. चाहे आप होमोलोगस क्रोमोसोम पे पड़े हो तो भी आपकी लिंकेज नहीं है. एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, लिंकेज नहीं हो सकती. ठीक है, नॉन होमोलोगस पे तो छोड़ ही दो. सेम क्रोमोसोम पे जब जीन पड़ा होगा उसी की लिंकेज हो सकती है, और जिसकी लिंकेज हो जाएगी उसकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मुश्किल क्वेश्चन आया है, एक आसान क्वेश्चन भी है. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जेनेटिक्स का. आंसर चाहिए? थैंक यू कुमारी सृष्टि. प्रणाम अनिल. आंसर चाहिए 22 का? बिल्कुल सही यथार्थ, बिल्कुल सही. अमित हुमायरा बिल्कुल सही बेटा. महबूब वैष्णवी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या देखने को मिलता है? मल्टीपल एलिलिज्म देखने के लिए मिलता है. मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? जैसे कि मान लो किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो होमोलोगस में, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ये इसको बोलते हैं लोकस. लोकस इज वन साइट. तो इस साइट पे मान लो ब्लड ग्रुप वाला जीन है, तो मान लो किसी के पास ए ए वाला जीन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया. किसी के पास ए और आई वाला जीन भी हो सकता है, उसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा. किसी के पास ए और बी का जीन हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा. तो मतलब सेम लोकस में, जैसे एक ह्यूमन के पास तो दो ही जीन्स होंगे, वो दो ही एलील्स होंगे, लेकिन एक पॉपुलेशन में बहुत सारे एलील्स होंगे. जैसे कि 1, 2 एंड 3, तीन एलील्स होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप में, विच इज़ वियर्ड. इसी को मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं. मुझे पता है तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया. जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको आता था पहले से उसी को ही समझ में आएगा. आई एम सॉरी, इसको डिटेल में कराऊंगी जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी, या तुम प्लस ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं जेनेटिक्स पढ़ा चुकी हूँ, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा तुमको. आई नो तुम लोगों को समझ में नहीं आया, इट्स ओके. ओके वैष्णवी पाटिल. नो आई एम टेकिंग, जो सबसे पहले आंसर देता है साजन उसका नाम लेती हूँ बेटा मैं, जो सबसे पहले जहाँ पे मुझे आंसर मिलता है. ओके okay? 23. X0 जो आंसर दे रहा है गलत है बेटा. टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम पूछा है. X0 जो आंसर देता है गलत है. 45 + XY डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21st क्रोमोसोम दो की जगह तीन आ जाते हैं, तो टोटल क्रोमोसोम बंदे के पास 47 हो जाते हैं 46 की जगह, जिसमें से XY तो नॉर्मल होता है, यहाँ पे 45 हो जाते हैं जिसमें 21 तीन बार आ जाता है. आंसर इज बी. इजी क्वेश्चन. चलो इजी क्वेश्चन. हाउ मेनी पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन वन हेलिक्स ऑफ BDNA? BDNA के एक हेलिक्स में कितने होते हैं? 10. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ध्यान से पढ़ो, आंसर आएगा. चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आंसर आएगा. ध्यान से पढ़ो.
25. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आएगा आंसर, आएगा आएगा आएगा. 25 का ई, वाह बेटा. कौन है ये? बिजनेस ट्रेंड. 25 का बी, हुमायरा अली, बिल्कुल सही है. 25 का बी, आलोक राज, महक बत्रा, आदित्य कुमार, यथार्थ, बिल्कुल सही है. शाख्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए को कहा जाता है. यदि आपने जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बेसिकली ग्रिफिथ ने टर्म दी थी, लेकिन उसे पता नहीं था ये डीएनए होता है. सो इन बंदों ने, एवरी मैकलॉयड और मैककार्टी ने ये पता लगाया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एक्चुअली डीएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. 26 इजी क्वेश्चन, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. चलो बेटा जी. यस प्रताप राज, इट वॉज ईजी क्वेश्चन. नाउ इट इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन. चलिए निलंजन, टोटल स्कोर बताइए मेरे को अपना. फाइंड आउट द रॉन्ग सेंटेंस अबाउट हेटीरोक्रोमेटिन. एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेटीरोक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन से आरएनए बनता है, हेटीरोक्रोमेटिन से कभी आरएनए नहीं बनता. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता हेटीरोक्रोमेटिन कभी भी. सो गलत बताना था, रॉन्ग सेंटेंस बताना था. आंसर सी आ गया, डेंसली पैक्ड होता है, स्टेन्स डार्क, लेट रेप्लिकेटिंग, बट ट्रांसक्रिप्शनली टोटली इनएक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. फास्ट, आधा टेस्ट हुआ है अभी, 40 मिनट निकल गए, आधा टेस्ट हो गया है, जल्दी करो. विच हार्मोन पोजेसेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट. ये करके दो मुझे, मुझे नहीं पता है, करके दो ये. अंकित सिंह वेरी गुड, करके दो मुझे, वेरी गुड वेरी गुड. जिनके ए आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. कॉर्टिसोल, देखो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम कर देता है, कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है. कॉर्टिसोल का एक फंक्शन होता है ना, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना. सो आंसर ये है, इसका ब्लड ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. किसकी डेफिशिएंसी से कम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल? इजी क्वेश्चन, आंसर चाहिए जल्दी से. 28 इजी क्वेश्चन. ए और डी में इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है तुम लोगों को भैया? ए और डी में इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ब्लड कैल्शियम लेवल किसकी डेफिशिएंसी से कम होता है भाई? पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है. यदि पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब पैराथॉर्मोन कम हो जाएगा, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल गिर जाएगा. कैल्सिटोनिन तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है, तो अगर कैल्सिटोनिन कम हो गया, डेफिशिएंसी होगी, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा बेटा. कैसे कंफ्यूज हुए? आंसर ए है, पैराथॉर्मोन. द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पैराथॉर्मोन. समझ रहे हो दिक्कत क्या आई है? समझ रहे हो गलत कैसे किया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. फेरिन गलत कर दिया बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके. भवानी बिल्कुल सही कह रही हो बेटा. रेशमा वेरी गुड. देखो क्या मार्क कर लो ग्लूकागॉन के बारे में, फॉल्स स्टेटमेंट. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है. अंकुश नहीं करना बेटा, सिली मिस्टेक नहीं करना, तभी तो तुमको यहां पे प्रैक्टिस करा रही हूं. इट इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, बिल्कुल सही. इट एक्ट्स एंटागोनिस्टिकली टू इंसुलिन, मतलब ऑपोजिट, बिल्कुल सही. इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर, बिल्कुल गलत है. इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर, देखते ही पता चलना चाहिए इसका आंसर, देखते ही. सी द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सिक्रीशन इज हेटीरोक्राइन. पैंक्रियाज हेटीरोक्राइन ग्लैंड होता है, बिल्कुल सही. सी आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Which of the following diseases is caused by under secretion of cortisol? ये NCERT में मेरे ख्याल से दिया हुआ है इस डिजीज का नाम, देखो और ढूंढो.
देखो और ढूंढो जल्दी से। 30th, महबूब हसन, बिल्कुल सही है बेटा। आदित्य कुमार, बिल्कुल सही है। हुमायरा, बिल्कुल सही है। अर्पित, बिल्कुल सही है। सम्मोनिता, बिल्कुल सही है। तेज बहादुर, सही है। अपर्णा दत्त, बिल्कुल सही है। सी क्यों आ रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय अंडर सिक्रीशन? कॉर्टिसोल कम हो गया है बेटा बॉडी में, कौन सी डिजीज होती है? एडिसन डिजीज। तुम लोगों को अच्छा मैंने अभी यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है, ऐसे याद करना होता है इसको कि एडिसन का, देखो बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स डैमेज होता है यहाँ पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकलता है, जब एड्रीनल कॉर्टेक्स डैमेज होगा तो कॉर्टिसोल कम निकलने लगता है। तो हमें ऐसे याद करना है, एडिसन का एड्रीनल कॉर्टेक्स टूट गया था, ऐसे याद कर लो ना। थॉमस अल्वा एडिसन जो बंदा था उसका एड्रीनल कॉर्टेक्स टूट गया था बेचारे का, फिर भी देखो कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, ऐसे याद करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ईजी क्वेश्चन, अगेन ईजी, पर नीट में ईजी ही क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करें, है ना, ईजी क्वेश्चन। चलो थर्टी वन का आंसर आ चुका है मेरे पास, बिल्कुल सही, हुमायरा अली का, बिल्कुल सही है। 31 महबूब गलत हो गया बेटा तुम्हारा, रोशन का सही है, सौरभ का सही है। नहीं 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 सौरभ का नहीं सही है भाई, रोशन का सही है। अरे रे 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 रे, मसल होती है, मसल के अंदर मसल सेल होता है, मसल सेल को अगर मैं निकाल लूँ, मायोफाइबर को निकाल लूँ, तो इसके अंदर मायोफाइब्रिल होती है, ये मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल के अंदर सब कुछ तो होता है, मायोसिन भी होता है, एक्टिन भी होता है, ट्रोपोनिन भी होता है, ट्रोपोमायोसिन भी होता है। मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स कौन से होते हैं, थिक और थिन फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट सिर्फ मायोसिन का बना होता है, थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का बना होता है। सो आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। मेरा लेक्चर लगा लो आप यूट्यूब पे, पढ़ा हुआ है इसका, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अगेन ईजी क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन। चलिए हैप्पी क्रिसमस अथर्व। कॉमन सेंस यूज करेंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे। 32 का सी गलत है कोमल बेटा, साक्षी सही है, संजय सही है, गिरीश गलत है, हुमायरा सही है बिल्कुल, आदित्य बिल्कुल सही है, महबूब सही है, सुप्रिया सही है, बिल्कुल सही है। द सेंसेशन ऑफ फटीग इन द मसल्स, जो आपकी टांगों में लेग्स में फटीग आ जाती है ना, मान लो आप दौड़ लो फिर आपसे चला नहीं जाता, जैसे क्रैम्प्स पड़ते हैं जो आपको, वो क्यों होता है, फटीग किसकी वजह से आती है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से आती है बेटा, क्योंकि आपकी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जो कि थोड़े दिन में निकल जाता है, तो तुम्हारा फटीग खत्म हो जाता है। आंसर इज डी। 33rd प्लीज, थर्टी थ्री, करेक्ट कैटेगरी ढूंढनी है आपको। शाहजहां, नहीं नहीं, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, आई जस्ट लाइक क्रिसमस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 33 का आलोक राज, बिल्कुल सही है। 33, हुमायरा सही है, समोनिता सही है, महबूब सही है, साजिन सही है, वैष्णवी सही है, शिवानंदा सही है। करेक्टली कैटेगराइज्ड, कैल्सिटोनिन और थाइमोजिन थायरॉयड हार्मोन नहीं है, क्योंकि थाइमोजिन थाइमस ग्लैंड से निकलता है। पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन आर टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन, इट इज नॉट एन एंजाइम, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन मसल्स, बिल्कुल सही है। सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट फाउंड इन योर आई, इट इज नॉट अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। आंसर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 34, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली,
ये गलत हो जाएगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। चलिए 34, सही है आदित्य कुमार का, बिल्कुल सही है। साहिल का सही है, महबूब का सही है, मौली का सही है, अनिल जोशी का सही है, रेशमा का सही है। रेनिन का फंक्शन क्या है? डबल एन वाला रेनिन स्टमक से रिलीज होता है, ये एक पैंक्रियोलाइटिक एंजाइम है, पैंक्रियोलाइटिक नहीं, आई एम सॉरी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। ना तो ये करता, ना तो ये करता, ना तो ये करता। जो किडनी वाला रेनिन है, दैट इज RENIN। अगर आपने ये समझ के आंसर दिया तो आपका गलत होगा, ये स्टमक वाला है। क्लियर? इट्स एन एंजाइम। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला अगर चैप्टर पढ़ा है तो आप आंसर दोगे इसका बिल्कुल सही। 35, शिवानंदा बिल्कुल सही है, साक्षी सही है, टी सही है, शाहिल सही है, काजल गलत हो गया बेटा, गिरीश का सही है, आदित्य का सही है, महक बत्रा का सही है, आदित्य कुमार का सही है। यूरिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस डज नॉट कंटेन ग्लूकोज, जो सूसू होता है उसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता, ऐसा क्यों? देखो बेटा, फिल्ट्रेट में तो ग्लूकोज आता है, जब नेफ्रॉन के अंदर आता है उसमें तो ग्लूकोज आता है, लेकिन ग्लूकोज इज 100% रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम पीसीटी, पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, इसीलिए यूरिन तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, डरो मत, आंसर करो उसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कार गेमर सही है, अक्षत सही है। 36 योगी राणा गलत है बेटा, बिल्कुल सही है, अनिल जोशी सही है, श्रद्धा सही है, यथार्थ सही है, अंकित सही है। ANF इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरे से ये चैप्टर पढ़ा है तो, रास बॉडी में तब एक्टिवेट होता है जब पानी की कमी हो जाती है, तो रास बॉडी में बीपी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता है और बीपी बढ़ाने का काम करता है। जब रास कुछ ज़्यादा ही बीपी बढ़ाने लगता है तो उसके अगेंस्ट ANF सिक्रीट होता है। ANF और रास एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है, रास का पार्ट है एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन का भी दुश्मन होता है ANF, कभी भी स्टिमुलेट नहीं करेगा एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को, कभी भी नहीं करेगा। सो आपको नॉट ढूंढना था, आंसर ए है, कभी भी एल्डोस्टेरोन को, कभी भी ADH को कभी भी सिक्रीट नहीं कराएगा ANF, दुश्मन होता है ये। इसका फुल फॉर्म ही क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो एल्डोस्टेरोन का दुश्मन है ANF, देखते ही पता चलना चाहिए था आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत हैप्पी बर्थडे नहीं है मेरा, जीसस क्राइस्ट थोड़े व्यू में हैप्पी बर्थडे होएगा मेरा। 37 का बी नहीं है यार, किसने बी लिखा? अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, बी है, बी है, बी है, बी है, बी एस, बी सही है, बी सही है, सॉरी, लोवी सही है, महक बत्रा सही है, शिवनंदा सही है, महबूब सही है, बिल्कुल सही है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कब होता है? जब RH नेगेटिव वुमन हो और RH पॉजिटिव मैन हो और इन दोनों की शादी कर दो, तब बन सकता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट इजी क्वेश्चन 38, 5
सेकंड दूंगी मैं, उससे ज्यादा नहीं दूंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम का है, डिजीजेस का क्वेश्चन है। मुनेश हैप्पी क्रिसमस। चलिए थर्टी एट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिन जो बच्चे, किसने दिया था सबसे पहले आंसर? महबूब हसन, बिल्कुल सही है। साक्षी, बिल्कुल सही है। साहिल, प्रशांत, बिल्कुल सही है। इजी। थिकनिंग ऑफ आर्टरीज, देखो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आपकी आर्टरी की वॉल है ना, वो हार्ड हो जाती है, हार्ड और थिकन हो जाती है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, टेक 15 सेकेंड्स, आराम से करो, 15 सेकेंड में करो, बट सही आंसर दो। चलो निलंजन, तुम्हारा नाम नहीं देख पाई बेटा मैं, 39th का। बिल्कुल सही, जो इस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के बच्चों ने आंसर भी कर दिया है। आओ चेक करते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। वेन्स आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरीज, वेन्स आर नॉट लार्जर इन डायमीटर। देखो ये वेन है, ये आर्टरी है, ठीक है, बस आर्टरी का ल्यूमिन छोटा होता है क्योंकि आर्टरी की वॉल मोटी होती है, वेन का वॉल पतला होता है तो ल्यूमिन बड़ा होता है, डायमीटर बड़ा नहीं होता वेन का, वेन का ल्यूमिन बड़ा होता है। सो गलत स्टेटमेंट ये होनी चाहिए। बाकी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज कैपिलरीज कंटेन ब्लड दैट इज मूविंग मोर क्विकली देन अदर पार्ट्स, ये सही है। वॉल ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक, भैया आर्टरीज को बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है ना, तो वॉल्स इलास्टिक होती हैं आर्टरीज की। वेन्स कंटेन मोर ब्लड, बिल्कुल सही। सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन्स किसी भी टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्लड कंटेन करती हैं, हार्ट से ज़्यादा, आर्टरी से ज़्यादा, कैपिलरी से ज़्यादा, क्योंकि वेन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है और प्रेशर कम होता है, तो ब्लड वहाँ पे भरा होता है, पूलिंग हुई होती है ब्लड की। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रह गए हैं लास्ट के, लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए इजी क्वेश्चन, कार गेमर्स, यस। फोर्टी, बी नहीं होगा टी सिंह, क्या बात कर रहे हो, बी कैसे हो सकता है, हाईएस्ट बीपी बताना है, हाईएस्ट बीपी कहाँ होता है बॉडी में। हाँ अभी सही आंसर आ रहे हैं, अभी सही आंसर है, इजी क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर कहाँ होगा, जो हार्ट के पास होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर से यहीं पे फेंकेगा ना ब्लड, आर्टरीज नियर द हार्ट। देखो जितना हार्ट से दूर जाओगे प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा, आर्टरीज में सबसे ज्यादा होता है, फिर कैपिलरीज में, फिर वेन में सबसे कम होता है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगेन इजी क्वेश्चन, 41, 5 सेकंड दूंगी, 5 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। फोर्टी वन, वेरी इजी क्वेश्चन। महबूब बिल्कुल सही है, एम्स ऑफिशियल सही है, मुनेश सही है, लवी लवी सही है, अभिषेक पाल सही है, एम्स ऑफिशियल, गिरीश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ क्या होता है, इट इज द ग्राफ बिटवीन ओ टू कॉन्सेंट्रेशन एंड सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन के बीच में ग्राफ होता है, इट इज अ सिग्मॉइड ग्राफ, ह्यूमन रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फिर से ह्यूमन रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, एक बार में आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, यू विल गेट द आंसर इन द फर्स्ट टाइम। 42, थैंक यू अमर, 42, महबूब बिल्कुल सही है, पूनम गलत है, 42 का आंसर चाहिए, यथार्थ सही है, साक्षी सही है, साहिल गलत है बेटा,
सी आंसर है द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेटरी एफर्ट. पहले लगा लो मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट. मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट में क्या क्या अंदर चला जाएगा? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, फिर जबरदस्ती बाहर निकाल लो सारी हवा, फिर क्या क्या बाहर निकलेगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को मिला के क्या बनता है? वाइटल कैपेसिटी. लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, वाइटल कैपेसिटी. ओके, 43. यथार्थ बेटा, अगर इससे अलग तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो एक बार कमेंट्स में लिख दो, तो मैं वहां पे तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगी. ठीक है, 43 का आंसर आ गया है. अमोल सही है बेटा, लवी सही है, पूनम सही है, साक्षी सही, कंचन सही, एम्स ऑफिशियल सही, बैड विकाश ने आंसर ही नहीं दिया है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. टू अवॉइड एक्सेस वाटर लॉस, देखो जब भी स्ट्रेस की कंडीशन है, जब भी पानी नहीं मिल रहा है प्लांट को, तो प्लांट को स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा पानी का लॉस होता है स्टोमेटा से. तो वो स्टोमेटा को बंद करने के लिए सिग्नल कौन देता है? ABA, ये प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन है ना, एब्सेसिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म होने वाले क्वेश्चंस बेटा. साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, बहुत लेट हो गए बेटा तुम शिव. 44th, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सही, सोपन बिल्कुल सही, आशुतोष बिल्कुल सही, 44th बिल्कुल सही. बच्चों बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है, कुछ बच्चों ने अरे. साइट ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में कहाँ होता है बेटा? मीजोजोम में होता है. मीजोजोम क्या होता है? बैक्टीरिया इस तरीके से होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन की ऐसे फोल्डिंग होती है मीजोजोम. और भी बहुत सारी चीज़ें मीजोजोम्स में होती है रेस्पिरेशन के अलावा भी. आगे जाके DNA की रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, DNA का दो डॉटर सेल्स में बांटने का भी हेल्प करता है मीजोजोम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. अगर मीजोजोम के बारे में नहीं पढ़ा है आज पढ़ लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो सिंपल अगर तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो. ये भी सिंपल है अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो. बेटा जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं ब्लड को लेके, pH को लेके, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो. अभी आंसर नहीं कर सकती मैं आप लोगों का. साक्षी सही है, तनिष्क सही है, पवन सही है, शकील सही है, हुमायरा सही है, सोनी सही है, महक सही, मोहम्मद शमशाद सही, टी सिंह सही, तनिष्क गर्ग, मोहम्मद शमशाद, इनका नाम ले लिया मैंने ऑलरेडी. फोटो रेस्पिरेशन कब होती है बेटा? फोटो रेस्पिरेशन होती है, हाई ऑक्सीजन हो जाती है, लो CO2 होता है. और जनरली हाई ऑक्सीजन कब होती है? हाई टेम्परेचर में और हाई लाइट में. सो लाइट भी हाई, टेम्परेचर भी हाई, ऑक्सीजन भी हाई, CO2 लो. इसमें से कौन सा आंसर बन रहा है? ए आंसर बन रहा है. लो लाइट गलत हो गया, लो टेम्परेचर गलत हो गया, लो O2 गलत हो गया. आंसर इज ए. खत्म होने वाला है क्विज. चलिए 46th, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा. रेशमा वेरी गुड, एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा 46th. अंकित सिंह शायद तुम्हारा आंसर निकल जाता है बेटा, मैं देख नहीं पाती हूं. 46 बिल्कुल सही, पूनम सही, निगार सही, जोग्राना सही, अंकुर आनंद सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. विच एंजाइम इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम? रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम. इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हो कौन सही करेगा. थोड़ा सा इसमें लगेगा दिमाग. अभी क्वेश्चंस के लेवल में इजी लेके आती हूं, अब धीरे धीरे इनको डिफिकल्ट करूंगी बेटा. जैसे जैसे जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मैं और डिफिकल्ट करूंगी क्वेश्चंस. ओके, तो रेडी रहो, अभी धीरे धीरे प्रिपेयर करना शुरू करो.
राकेश का सही उत्तर है, आशिया शाह का सही उत्तर है, एम्स ऑफिशियल का सही उत्तर है, अक्षत निगम का सही उत्तर है। 47 विजय गलत है, यथार्थ का सही उत्तर है। आओ चेक करते हैं, आलोक राज का सही उत्तर है। इन एन एक्सपेरिमेंट मैच्योर लीव्स ऑन द प्लांट वर इनक्लोज्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इन अ ट्रांसपेरेंट बैग दैट हैड रेडियो एक्टिव CO2। आपने क्या किया है, एक प्लांट लिया, ठीक है, उसको एक बैग में डाल दिया और इस बैग में रेडियो एक्टिव CO2 ले लिया। मतलब अब ये CO2 यहां से ले रहे हैं, ये CO2 अंदर जाके क्या बनाएगा, CO2 अंदर जाके कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना, CO2 से ही आगे शुगर बनता है। और जहां पे शुगर बनता है वहां से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है शुगर बनके, जिसको भी शुगर की ज्यादा जरूरत होती है, किसको शुगर की ज्यादा जरूरत होती है, जो अपनी शुगर खुद नहीं बना पाते, जैसे कि प्लांट रूट के पास शुगर जाएगा और न्यू लीव्स के पास शुगर जाएगा, क्योंकि न्यू लीव्स अपना शुगर अभी खुद नहीं बना पा रही है, बेबीज है ना अभी, वो रेडी नहीं हो पाई है उसके लिए। सो आंसर क्या बनेगा हमारा, एक्टिवली ग्रोइंग लीव्स में आपको वो शुगर मिलेगा और वहां पे आपको रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शुगर भी तो रेडियो एक्टिव हो जाएगी ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया कैसे हुआ है, एक्टिवली ग्रोइंग लीव्स क्यों है। आज 6 बजे वाली क्लास नहीं है बेटा, आज 6 बजे वाली क्लास नहीं है, आज सिर्फ टेस्ट ही था। चलिए इन फोटोसिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, अरे ये क्यों गलत हो रहा है, 48 हुमायरा गलत है, 48 महबूब हसन गलत है, अरे रे 48 क्यों गलत हो रहा है, साइटोक्रोम नहीं है रे आंसर, आयरन सल्फर प्रोटीन आंसर है। याद करो तुम लोगों को अभी कल परसों ये कराइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कराइए, पहले देखो PS2 होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है, फोटोसिस्टम 2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ना, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर से यहाँ पे जाता है प्लास्टो क्विनोन, फिर साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसियानिन, फिर फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम से यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके बाद फेरिडॉक्सिन। बेटा फेरिडॉक्सिन पहले आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाता है, फिर फेरिडॉक्सिन के पास जाता है, आंसर सी है। देखो ये मैंने क्वेश्चन तुमको क्यों दिया था, ये क्वेश्चन मैंने तुमको क्यों दिया था, भले ही तुम्हें आयरन सल्फर प्रोटीन नहीं दिया हुआ है NCERT के अंदर, पर तुम्हें ये तो पता है ना कि साइटोक्रोम का है, ये तो प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं हो सकता ना, तुम्हें ये तो पता है ना प्लास्टोसियानिन का, ये तो हो ही नहीं सकते ना, सिर्फ तुम इसमें और इसमें कन्फ्यूज हो सकते थे, पर ये अगर तुम्हें याद हो NCERT में ऐसे बनाया हुआ है, PS2 बनाया हुआ है, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाया हुआ है, फिर फेरिडॉक्सिन बनाया हुआ है यहाँ पे, तो फेरिडॉक्सिन नहीं हो सकता ना, पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आया ना, तो चाहे तुम्हें नहीं भी आता हो तो भी तुम्हारा आंसर सी सही होना चाहिए था, बाकियों को इलिमिनेट आउट करके, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या वैष्णवी कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन तो हार्ड होंगे ना बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस दिख समझने में प्रॉब्लम है तो बेटा मैं अभी यूट्यूब पे फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो रही हूँ, हर रोज़ एट 6 PM आई टीच फोटोसिंथेसिस, और मैंने कल परसों ही पढ़ाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला, आप लोग वो लेक्चर लगा लीजिए ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 49th द फिनोमिना ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज एविडेंट व्हेन सेल्स आर केप्ट इन, प्लाज्मोलाइसिस कैसे होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे तो सेल में से पानी बाहर चला जाएगा, सेल का साइटोप्लाज्म ऐसे सिकुड़ जाएगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपको रखना पड़ेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। सरिता जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वहां पे सॉल्व करूंगी आपके डाउट्स। ओके ये देखती हूँ कौन सही उत्तर देता है 50th का।
50th टी सिंह का गलत है, इतना कंफ्यूजन है। 50th द मूवमेंट ऑफ वाटर अप द स्टेम्स इन अ टॉल प्लांट इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर पहले तो रूट प्रेशर से होती है, उसके बाद ट्रांसपिरेशनल पुल से होती है। ट्रांसपिरेशनल पुल किस किस वजह से होती है? एडहेजन की वजह से होती है, कोहेजन की वजह से होती है, टेंशन की वजह से होती है। सो ट्रांसपिरेशन की वजह से भी होती है, कोहेसिवनेस की वजह से भी होती है, टेंशन की वजह से भी होती है। गट्टेशन क्या है भैया? गट्टेशन इज रूट प्रेशर की वजह से लीफ के टिप से पानी टपक रहा है, उसका क्या लेना देना है? उसका कोई लेना देना नहीं है ना पानी के ऊपर राइज करने का। सो गट्टेशन आंसर है। कितना उत्तर आ पाया है? कितना उत्तर आ पाया है? कितना सही हो पाया है 50 में से? मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। कितने सही हो पाए हैं 50 में से बोलिए। अगर आपके इन 50 क्वेश्चंस में से, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर 30 भी सही हैं, इवन इफ यू आर डूइंग 30 करेक्ट, इवन देन आई एम हैप्पी। व्हाई? बिकॉज आज 16 क्वेश्चंस इकोलॉजी से थे और इकोलॉजी में तुम्हारी बैंड बजी हुई है, मुझे पता है। ठीक है, अगर तुम 30 भी स्कोर कर रहे हो बेटा जी, इवन देन इट इज गुड, बट आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। आपको जो नहीं आता आप छोड़ दो, अगर आपके 30 करेक्ट हैं और नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है तो इट इज़ ओके। इस 30 को उठा के आराम से मैं 45-46 क्वेश्चंस तक लेके चली जाऊंगी आउट ऑफ 50। 50 में से 45-46 आराम से पिक किए जा सकते हैं अप्रैल के महीने तक। ठीक है, अभी चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे 30 भी करेक्ट नहीं हो रहे हैं तो बेटा जी तुम्हें सीरियस रिविजन की ज़रूरत है। यू नीड अ वेरी सीरियस रिविजन। ठीक है, रिविजन आप कैसे भी कर लो, चाहे आप ऑफलाइन में कहीं पे पढ़ रहे हो वहाँ पे आप रिविजन करना शुरू कर दो। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्लीज़ अपने नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दो। यदि आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है ऑलरेडी रिविजन के लिए। ठीक है, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, 3-4 चैप्टर्स का रिविजन हुआ है, बाकी अभी 35 चैप्टर्स बचे हैं रिविजन के लिए। मेरे साथ यदि तुम रिविजन करना चाहते हो तो उसमें मैं तुम्हें एक ही बार में 3 बार एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगी। एक बार तुम खुद पढ़ोगे, एक बार मैं तुम्हें क्लास में पढ़ने के लिए दूंगी और एक बार मैं तुम्हें समझाऊंगी। सो 3-3 बार तुम्हारा रिवीजन एक एक चैप्टर का हो जाएगा यदि तुम मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो। यदि मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस का एक सब्सक्रिप्शन होगा जो आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, 40 टीचर्स से पढ़ सकते हो, मतलब उनमें से मेरे भी क्लास है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। और साथ में मैं वहाँ पे नीट और बोर्ड्स के लिए एक और बैच लेके आ रही हूँ आनंद मणि सर के साथ, जहाँ हम कंबाइंड आपका सिलेबस पूरा कराएंगे। तो प्लस ज्वाइन जब भी करने जाओ, कोड ध्यान रखना है, ऋतु लाइव 10% तुम्हारा फीस ऑफ होता है इस कोड से। फीस भरने से पहले कोड ज़रूर डालना है, ज़रूर डालना है, तभी तुमको 10% ऑफ हो पाएगा। साथ में तुम मेरे बैच में आ पाओगे, साथ में तुम्हें मेरे नोट्स मिल पाएंगे रिटन। ठीक है, अगर तुम मेरे यूट्यूब फॉलोअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आए वो सब का सब नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाए। आज और कोई क्लास नहीं है, दिस वॉज द ओनली क्लास। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो ऑन क्रिसमस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।